वेलकम माय फ्रेंड। आज मैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 का एक्सरसाइज 2.2 का वीडियो लेके आया हूँ। मैं अजय सर आपका अपने यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और दूसरे को शेयर कर दें ताकि सभी बच्चे इससे लाभान्वित हो सकें। देखिए 2.2 में विशेष रूप से हमें पढ़ना क्या है वो समझते हैं। देखिए 2.2 से पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा कुछ विशेष अवयव के बारे में पढ़ेंगे, गुणनखंड के बारे में, क्योंकि 2.3 और 2.2 ये सब गुणनखंड से ही संबंधित है। इसलिए पहले हम आपको गुणनखंड सिखा देते हैं, फिर 2.2 सिखाएंगे। ये 2.2 ही है लेकिन थोड़ा सा बेसिक मैं आपको सिखा दूँ ताकि फिर अगर मैं बुक में 4-5 ही सवाल है आपसे सॉल्व होगा, कर दूंगा मैं ही, तो आप क्या सॉल्व करेंगे। सबसे पहले कुछ सूत्र होता है वो समझ लीजिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ये माइनस बी होता है। अरे बात समझ में। अभी मुख्य रूप से यहाँ पर कहने का हमारा मतलब ये है कि गुणनखंड करना है। गुणनखंड करने क्रम में आपको ये जो सूत्र है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसके बारे में हम थोड़ा विस्तार से देखेंगे, क्योंकि जो भी सवाल आपको आएंगे इसी से आपको आने वाले हैं। अरे बात समझ में। तो थोड़ा इसको हम विशेष देखते हैं क्या बोलता है गुणनखंड करो। अभी इसमें 2 अंकों का या 3 अंकों का आपको सवाल देखने को मिल सकता है। गुणनखंड आपको 2 तरह का होगा, एक 2 अंकों का होगा और एक 3 अंकों का होगा। तो 2 अंक वाला में क्या करेंगे, आप देखेंगे, चेक करेंगे कि 2 अंक वाला कैसा है, 3 अंक वाला कैसा है। यदि वो सूत्र पर बैठ जाए, 2 अंक वाला में 2 तरस होता है, एक कॉमन लेना है एक बिना कॉमन लेने वाला है। 2 अंक वाले में 2 तरस होता है, कॉमन लेने वाला और एक बिना कॉमन लेने वाला। अरे बात समझ में। एक कॉमन लेना है, दूसरे में बिना कॉमन लेने वाली बात। अगर सूत्र पे बैठ जाता है तब तो हम सूत्र पे काम कर देंगे, और अगर नहीं बैठेगा तो सूत्र पे हम काम नहीं करेंगे। देखिए पहला सवाल, अगर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, इसको हमें गुणनखंड करना, क्या करना है गुणनखंड, गुणनखंड करें या शून्य ज्ञात करें। या हल ज्ञात करें। यह आपके बुक का नहीं है लेकिन 2.1 से रिलेटेड है, क्योंकि आपके 2.1 में सिर्फ 4 सवाल है, तो 4 सवाल में कैसे काम चलेगा। मैं आपको ढेर 4 सवाल देता हूं, पहले सॉल्व कीजिए फिर 2.2 करें। तो देखिए यहां पर इसको लिख सकते हैं x का होल स्क्वायर, और 1 को कुछ भी करो 1 का स्क्वायर। सूत्र देखिए क्या हो गया, इसको a बोलिए इसको b बोलिए, a हो गया b हो गया। सूत्र क्या लगता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी। 2.1 का ये पार्ट 1 है, ठीक है, पार्ट 2 भी आपको आएगा। तो सिंपल क्या हो गया, ए हो गया और ए बी हो गया, तो ए प्लस बी ए माइनस बी। आप इसको ऐसा कर सकते हैं। एक और सवाल देखते हैं, 36x स्क्वायर सॉल्व कैसे करेंगे। इसको क्या लिखता है, 36 को 6 का स्क्वायर, आप सोचें 2 अंक वाले में x को x का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सूत्र क्या होता है, a प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, a हो गया और ये क्या हो गया b हो गया, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी। एक और सवाल देखिए, 25x स्क्वायर माइनस 64, तो क्या 25 का ले सकते हैं। देखिए किसी का वर्ग होता है तो होता है 5 का होता है, तो 5x का स्क्वायर और 64 को 64
फिर देखें यहाँ पर ए स्क्वायर हो गया माइनस बी स्क्वायर हो गया, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो क्या हो गया ए प्लस बी, ए ए हुआ ए बी हुआ, ठीक है ए माइनस बी। अगली बात में ऐसे आपको दो दो अंक वाले गुणनखंड करने आएंगे। और देखते हैं दो सवालों, अरे इसमें दो अंक में आएंगे तो उसमें क्या करेंगे, चलिए एक सवाल लेते हैं, कितने स्कोर होंगे थे, चौथा देखते हैं। 4a² b² - 9 आएगा, ऐसा भी आ सकता है, तो क्या करेंगे हम 4 को 2 लिख सकते हैं, 2ab² है कि नहीं, और 9 को 3 का स्क्वायर, इसको पूरे को a मान लीजिए और पूरे को b मान लीजिए, लेकिन क्या हो जाएगा a² - b² तो a प्लस बी और a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा ये पूरा a है तो a में क्या है 2ab a प्लस बी, बी में क्या है 3, फिर a में क्या है 2ab प्लस बी माइनस बी, ये सॉल्यूशन हो गया। ठीक है एक और देखते हैं, 16x² y² - 9z² 16 को 4 लिख सकते हैं, आई एक्स बाई है तो एक्स बाई का स्क्वायर, 9 को 3 × 9 9z² फिर देखिए पूरे को ये मान लीजिए इसको भी मान लीजिए, ये हो गया, ये लिखना नहीं है आपको, मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है ये भी लिखने की जरूरत नहीं है आपको, यहाँ क्या हो जाएगा a² - b² तो a प्लस बी ए माइनस बी, तो a हो गया प्लस बी, फिर a ए है ना माइनस बी हो गया, ये तो सीधा सीधी आ गया। एक और टाइप देखते हैं, 2m² - 32, तो देखिए ये दोनों में कोई स्क्वायर नहीं शामिल हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, तो आप जब दोनों सवाल में कुछ शामिल ना हो तो इसमें हम कॉमन लेते हैं, क्या लेते हैं कॉमन लेते हैं, तो कॉमन लेके हल कीजिए, देखिए दो इसमें भी शामिल है, दो इसमें भी शामिल है कि नहीं, तो दो कॉमन ले लीजिए, यहाँ बच गया m, तो अगर दो इसमें से हम बाहर निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा 16 × 32 16 हो जाएगा, 16 × 32, या इसको आप ऐसे कर सकते हैं 2m × m - 32 को 2 × 16, देखिए ये दो ये दोनों शामिल, इसको बाहर निकाल ली और m² वापस, 2m है तो m का स्क्वायर कर सकते हैं इसको आप, और 16 को 4 का स्क्वायर, अब देखिए आप हो गया ना a² - b² तो a प्लस बी ए माइनस बी, 2 हो गया, देखिए ए हो गया और बी हो गया तो ए प्लस बी ए माइनस बी, अगली बात समझ में आपको कोई डाउट, नहीं ना, चलिए एक और देखने का प्रयास करते हैं। (6 − 96a²) तो देखिए 6 को लिख सकते हैं 3 × 2, इसका क्या लिख सकते हैं 96 को गुणा खंड कीजिए, ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, 2 से 4 × 8 8 × 16, 2 से 24 × 48, 2 से 8 12 × 24, 2 से 6 × 12, 3 से 3 × 6, 2 × 4 × 8 16 × 32, 1, 2, 3, 4, 5 बार, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, एक तो क्या कौन आ रहा है,
ये तीन दो दोनों में कुमार है, उसको बाहर निकाल दिया, छः को बाहर निकाल, यहाँ क्या बच गया वन, और यहाँ क्या बच गया दो दूनी चार दूनी आठ दूनी सोलह ए स्क्वायर, हुआ कि नहीं, सिक्स हो गया, यहाँ वन और सोलह को चार चुके सोलह फोर ए का स्क्वायर। अरे बात समझ में, सिक्स फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी फिर ए माइनस बी, ये हो गया आंसर। ये सारे के सारे दो अंक वाले थे, ठीक है, आप सबको सॉल्व करेंगे। अभी तीन अंक वाला देखते हैं, चलिए तीन अंक वाला सवाल लेते हैं। पहला एक्स स्क्वायर प्लस दस एक्स प्लस सिक्सटीन, याद रखिएगा ये जो हमने लिखा था क्वेश्चन, ये शून्य ज्ञात करें गुणनखंड, ये सिर्फ हमने अभी गुणनखंड किया है, शून्य ज्ञात करें और हल करें बाकी अभी। हाँ ये सिर्फ हमने हर गुणनखंड किया है, शून्य ज्ञात नहीं किया है, जब आप गुणनखंड कर लेंगे तो आप हल को, आपको भी हल ज्ञात करें, इसी में देखिए चलेंगे हल ज्ञात करने को बोलते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस दस एक्स प्लस सिक्स बराबर कितना हो गया जीरो। चलिए पहले हम गुणनखंड ही करना सीखते हैं, हल करना नहीं, ये जाने दीजिए, शून्य ज्ञात कीजिए, हल करें, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो पता है आपको इस संख्या को और इस पहले वाले गुना करते हैं, यहाँ 16 है गुना एक है, 16 एकम 16, 16 एकम 16, गुणनखंड कीजिए, दो से आठ दूनी सोलह, दो से चार दूनी आठ, दो दूनी चार, दो एकम दो, अब कितना है दो 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 आया, इसको ऐसा करना है कि कितना आना चाहिए 10 आना चाहिए, तो आप गठित कीजिए, दो दूनी चार दूनी आठ, आठ प्लस दो कितना हो गया 10। क्लास 9 में पढ़े होंगे, 8 में पढ़े होंगे, 9 में पढ़े होंगे, 10 में पढ़े होंगे, एक्स स्क्वायर प्लस आठ एट एक्स प्लस टू एक्स प्लस सिक्सटीन, इन दोनों में कॉमन लीजिए, एक्स एक्स दोनों में शामिल है, बाहर निकाल लिए, यहाँ बच गया एक्स और यहाँ बच गया एट। अब जो यहाँ लिखा आप लोग यहाँ छाप दीजिए, ठीक है, यहाँ एक्स हो गया, यहाँ टू बच रहा था, यहाँ टू लिख दीजिए। अब इन दोनों मिला के एक बार और इन दोनों को मिला के एक बार, ये हमारा हो गया गुणनखंड, क्या हो गया गुणनखंड, शून्य और हल इसके बाद की क्लास में हम ज्ञात करेंगे। एक माइनस वाला देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस बारह, अब यहाँ बारह है, यहाँ कुछ नहीं तो एक है, तो बारह एकम बारह, बारह गुणनखंड कीजिए, दो से छः दूनी बारह, दो से तीन दूनी छः, तीन से तीन एकम तीन, लाना है माइनस सात, क्या लाना है माइनस सात, तो कैसे आएगा, तीन दूनी छः दो आठ नहीं आ रहा है, दो दूनी चार तीन सात आ गया कि नहीं आ गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस चार एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस बारह। अब इन दोनों को मान लीजिए एक्स एक्स माइनस फोर, जो ये लिखा है यहाँ छाप दीजिए, एक्स माइनस फोर वही एक्स, यहाँ तीन है तो माइनस थ्री, इन दोनों में लगे एक और इन दोनों मिला के एक, हो गया हल। एक और देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस चार एक्स माइनस इक्कीस, इसको इससे साथ में गुना करेंगे हम, इक्कीस एकम इक्कीस, तीन से सत्तर इक्कीस, सात कम सात, लाना कितना है चार, सात में से तीन गया चार, एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस इक्कीस। अब इन दोनों कॉमन निकाल लीजिए, इन दोनों में एक्स एक्स दोनों में शामिल है, इसको बाहर निकाल लीजिए, एक्स हो गया है और ये सात हो गया है, जो यहाँ लिखा है यहाँ छाप दीजिए,
यहाँ एक्स है और यहाँ थ्री एक्स है तो माइनस थ्री है, तो माइनस थ्री यहाँ लिख दीजिए, इन दोनों मिला के एक बार और इन दोनों मिला के एक बार, ठीक है। एक लास्ट टाइप एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस एट्टी, इसको हल करते हैं। अस्सी है, अस्सी गुना खंड कीजिए, यहाँ एक है, अस्सी गुना एक अस्सी दो से, चालीस दुनी अस्सी, बीस दुनी चालीस, दस दुनी बीस, पाँच दुनी दस, पाँच कम पाँच, लाना है हमको माइनस तीन, खिलाना है माइनस तीन, हल करो। पाँच दुनी दस, दुनी चार, दुनी आठ, पाँच दुनी दस नहीं आएगा, दो दुनी चार, दुनी आठ, दुनी सोलह में से पाँच गया नहीं आएगा, अब और सोचो कैसे आएगा, माइनस तीन कैसे आएगा, दो दुनी चार, दुनी आठ, और पाँच दुनी दस फिर भी नहीं आएगा, और सोचिए, अंदाज लगाइए कैसे कैसे हो सकता है। सॉरी मैंने क्वेश्चन गलत लिख दिया, ये फोर्टी होगा, ठीक है, क्या होगा फोर्टी। चलिए ये ख़त्म हो जाएगा, अब थ्री आएगा, दो दुनी चार, दुनी आठ में से पाँच गया तीन, एक्स स्क्वायर माइनस ये सकते हैं एट एक्स प्लस फाइव एक्स माइनस फोर्टी, इन दोनों कॉमन निकाल लो, एक्स इधर भी शामिल है, एक्स इधर भी, एक्स माइनस एट हो गया ना, एक्स एक्स दोनों में शामिल, यहाँ एक्स बच गया, यहाँ एट बच गया, जो यहाँ लिखा है यहाँ छाप दो, यहाँ बच गया एक्स, यहाँ पाँच, एक्स माइनस एट एक्स प्लस फाइव, ये और ये मिला के ये हो गया, इधर मिला के एक हो गया, ठीक है। चलिए कॉपी कर लीजिए आप आसानी से, ठीक है, एक बार फिर से मैं दे देता हूँ, ये गुणनखंड हुआ, ठीक है, ये हल नहीं हुआ, शून्य नहीं हुआ, शून्य बस इसी का एक लाइन और आ गए बस, और कुछ भी से अंतर नहीं है शून्य में और गुणनखंड में, थोड़ा सा डिफरेंस है वो हम इसके बाद, ये दो अंक वाला है, ठीक है। अब देखिए कुछ होमवर्क के लिए मैं आपको दे देता हूँ, आप आसानी से इसे घर पे बैठ कर सॉल्व करेंगे, कुछ क्योंकि आप सॉल्व नहीं करेंगे तो प्रैक्टिस होगा नहीं आपका। चलिए ये मैंने सवाल दिया आपको, इसको देख के सॉल्व कीजिए, आप फोटो खींच सकते हैं। अव्यव पाड़ो मतलब गुणनखंड करो, अब आपको आंसर दिख बोल रहता हूँ मैं, कौन सा आंसर है, 14.7 है और 14.5 है। चौदह पॉइंट पांच का ये आंसर है, देख लीजिए, ठीक है, और 14.7 की बात है, चौदह पॉइंट सात का ये आंसर है,
आप इसे पूरा बैठ के सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसका पीडीएफ मैं इसे भेज दूंगा। ओके, थैंक यू।